तरीके से होंगे। आजकल बारिशों का मौसम है और इस मौसम में आप कोई भी प्लांट लगाएं, कटिंग लगाएं या कोई बीज लगाएं वो 100% हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज लगा रही थी धनिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूं। एक्चुअली ये है कि धनिया मैं हमेशा घर का ही यूज़ करती हूँ। एक तो मेरे तोते भी धनिया खाते हैं और दूसरा ये कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया में जितनी भी हंडियाँ पकती हैं उनका जो एंड होता है वो धनिया भी होता है। जब तक धनिया की गार्निशिंग ना हो हम लोगों की हंडियाँ कम्प्लीट नहीं होती। तो अच्छी बात है कि अगर हम लोग घर में ही उगा लें, बहुत ईजी होता है धनिया लगाना। धनिया, पुदीना, मिर्चें हम लोग अगर ये अपने किचन गार्डन में ही लगा लें तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप पॉट में भी बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं धनिया को। धनिया के लिए कोई ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास इतनी सी भी मिट्टी हो, यानी कि उसकी जो हाइट है मिट्टी की वो इतनी भी हो, तो धनिया बहुत फर्स्ट क्लास उगाता है। मैं भी पॉट में ही लगा रही हूँ। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को धनिया लगाना आता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी आता, तो चलें फिर देखते हैं कि धनिया कैसे लगाया जाता है। ये धनिया के सीड्स हैं जिसे सूखा धनिया भी कहते हैं, जो हर घर में मौजूद होता है। हम लोग पकौड़ों में या डिफरेंट मतलब अपनी हंडिया में भी यूज़ करते हैं। यही इसके बीज होते हैं और ये मैंने लगाना है। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया क्योंकि मैं ये दो पॉट्स में लगा रही हूँ। आप इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लें, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और इसके ऊपर ये धनिया डालें और आप इस तरह इसके ऊपर रख के और आप इसको कूट लें ऐसे। मकसद ये है कि जो धनिया का बीज है ना वो दो हिस्सों में बट जाए, उससे उसकी रूटिंग भी जल्दी स्टार्ट होगी और वो जल्दी ग्रो करेगा। ये हाथों के साथ भी कर सकते हैं, अगर कोई रह जाए तो वो हो जाए अच्छे से। ये देखें, ये दो पॉट्स हैं जो मैंने तैयार किए हैं धनिया के लिए। और जो मैंने मिट्टी यूज़ की है इसके अंदर शामिल है 50% जो आम गार्डन सॉइल होती है, आम मिट्टी वो है, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर गोबर खाद डाली है या कंपोस्ट, और साथ थोड़ी सी मैंने रेत डाली है। यानी कि 50% आम गार्डन सॉइल है, बाकी 25% गोबर है और 25% उसके अंदर रेत है। तो वैसे आप इसको नॉर्मल सॉइल में भी ये उगाता है धनिया, लेकिन अगर आप इन तीनों का मिक्सचर करेंगे तो जल्दी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम लगाना स्टार्ट करते हैं। हमने ये वो धनिया है जो मैंने हाफ इसको कर लिया है, अब हमने यहाँ से लेना है, इसी तरह एक मुट्ठी भरें और इसको ऐसे स्प्रिंकल करना है। इस तरह इसको बिल्कुल इक्वली आप स्प्रिंकल कर दें। जैसे ही सारा हो जाए तो आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसके ऊपर डाल दें, मिट्टी से इसको कवर कर दें। हल्की सी लेयर लगानी है और फिर हम इसको ऊपर से दे देंगे पानी, और पानी बहुत ज़ोर से नहीं देना, अपने ऐसे ही देना है। अभी पानी इसका नीचे बैठ जाएगा और ये सब भी एडजस्ट हो जाएंगे। और इसी तरह आपने दूसरे पॉट में भी लगा लेना है। और ये बात याद रखें, अभी आपने इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, आपने इसको सेमी शेड में ही रखना है। ये दोनों पॉट्स में मैंने धनिया लगा लिया है और ये ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के बाद या 15 दिन के बाद इसकी जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, पौधे छोटे छोटे उगना शुरू हो जाएंगे। आपने इसको उसी वक्त पानी देना है जब आपको पानी इसका ड्राई नज़र आए। और जैसे ही धनिया यूं आप लगा लें, पानी दे दें, तो आप इसके ऊपर कोई भी यूं प्लास्टिक की जाली रख दें, मतलब प्लास्टिक की यूं कोई टोकरी रख दें या कोई मलमल का कपड़ा भी रख सकते हैं ताकि हवा भी इसके अंदर जाती रहे। और कवर करने का मकसद ये है ताकि कोई परिंदा या बिल्ली वगैरह इसको ख़राब ना कर दे। ऐसे और ऐसे आपको इसकी अपडेट दूंगी 15 दिन के बाद, और या 15 या 20 दिन के बाद जब इसकी वो कोम्पलें निकलना शुरू हो जाएंगी। और 1 महीने में धनिया बिल्कुल रेडी हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन के बाद ही निकल आएँ, कुछ इलाकों में 10 दिन के बाद भी धनिया निकल आता है, कुछ इलाकों में 20 दिन भी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड देखा आपने कितनी आसानी के साथ धनिया उगाया जा सकता है। इसका मैं आपको एंड रिजल्ट तो अभी नहीं बता सकती क्योंकि इसकी ग्रोथ ही हफ्ते बाद या दो हफ्ते बाद स्टार्ट होगी, उस वक्त तक टाइम चला जाएगा धनिया लगाने का। तो आपको मैंने इसीलिए वीडियो दी है कि आप फौरन ये धनिया उगा लें और इसका मैं आपको अपडेट देती रहूंगी अगली किसी वीडियो में। और आप भी इस तरह से आसानी से धनिया उगा सकते हैं पॉट में, ना सिर्फ धनिया बल्कि पुदीना भी, मिर्चें भी, जो भी आपकी किचन से रिलेटेड इजी इजी सब्जियां वो आप इजीली उगा सकते हैं। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।